बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुह। वेलकम टू द सिटी ऑफ शोलापुर, द स्मार्ट सिटी भी कह सकते हैं, महाराष्ट्र की वन ऑफ द अपकमिंग सिटीज़ कह सकते हैं। माशाल्लाह एक अच्छा मॉडल बनेगा शोलापुर। बकरों के मामले में भी शोलापुर बहुत आगे बढ़ चुका है। दोस्तों इसी सीरीज़ में आज आए हैं हम, वन ऑफ द मेन पर्सन ऑफ शोलापुर गोट इंडस्ट्री, हम अजीम भाई के यहाँ आ चुके हैं जहाँ से पूरा शोलापुर आपको दिखाई दे रहा है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अजीम भाई के फार्म के अंदर से, और आपको एक एक करके इनके नायाब से नायाब जानवर दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके यहाँ पर आए हम लोग। और एक बात और बोलूँगा कि एवरी ट्रिप में यू आर लुकिंग मोर यंगर। शुक्रिया। क्या इसका राज है थोड़ा बताना हमको। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और बकरों के बीच में रहने से आदमी को एक स्ट्रेस बस्टर भी रहता है। हाँ, वो भी दिखता है माशाल्लाह। और जैसे मैंने बताया लुकिंग यंगर डे बाय डे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तंदुरुस्ती दे आपको, अल्लाह आपके शौक में इजाफा करे माशाल्लाह। तो एक से एक नायाब जानवर हैं आपके यहाँ पर, और कुछ रिजल्ट भी आए हैं। दो वीडियो बनाएंगे हम लोग, पहले वीडियो में लोगों को दिखाएंगे एक से एक बच्चे जो आए हुए हैं आपके पास में। हाँ। और ब्रीडर दिखाएंगे। हाँ। सेकंड वीडियो में सारी बकरियां दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो अंदर चलते हैं हम लोग, और कुछ मेहमान हैं, सबसे सलाम दुआ करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों अजीम भाई के फार्म में एंट्री करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो एक ये कान इतने बड़े कि एक आदमी कान के पीछे छुप गया है। हाँ, ये हैदराबादी की शान है भाइयों, पूरी टीम है, इससे मोहब्बत है हमारा। ये जो क्वालिटी है माशाल्लाह, खूबसूरती इनमें है। सही है, भाई का चेहरा भी बोलते हैं, बकरे के कान बोलते हैं। क्या बात है। आप सबका बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, तो आप लोग भी वन ऑफ द बेस्ट गोट्स देखने वाले हैं शोलापुर के। मैं जहाँ तक समझता हूँ केज के अंदर बकरे दिखते हैं, पर बाहर आने के बाद में और भी दिखते हैं। तो आप लोग सब देखिए इंशाल्लाह, कुछ बोलना हो तो आप लोग बोल सकते हैं, या कुछ सवाल हो अगर आप लोगों के किसी के भी अजीम भाई से तो कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमारे दोस्त लोगों को इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। जी जी जी, ज़रूर। ये हमारे नौशाद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशाद भाई। नौशाद भाई फ्रॉम शोलापुर। शोलापुर के हैं और वो भी शौकीन है माशाल्लाह। तो नौशाद भाई आप हैदराबाद ही रखते हो, प्योर में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो काफ़ी बच्चे दिए होंगे भाई ने आपको। क्या बात है, शौक बढ़ता ही रहे इंशाल्लाह। एंड शाहफजल भाई हमारे साथ है, लोग जानते हैं, बैंटम किंग के नाम से भी फेमस है माशाल्लाह। क्या बात है, मज़ा आता है। हैदराबादी पसंद है कि नहीं, कैसी बैंटम ही पसंद है। जितने बड़े हैदराबादी के कान होते हैं ना, उतने बड़े तुम्हारे बकरे होते हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि लोग बहुत अमीर है दोनों। जितना मेरी चादर उतना पैर फैलाना बेहतर है, मैं सोचता हूँ। शौक करो तो ऐसा लॉस होना शौक नहीं करूँगा। सही है, भाई ने बोल दिया। नहीं, ये ओपन डिस्कशन जरूरी है एक्चुअल में। अपने अपने तरीके से दोनों में है। सही है, सही है। और पतीरा में है कि नहीं बरकत? बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जत शोहरत सब कुछ। सही, इज्जत शोहरत सब कुछ। ये हमारे शाहिद भाई। शाहिद भाई अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाहिद भाई का भी सेटअप है? शाहिद भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह है। अब आपने इतना बता दिया तो समझ सकता हूँ हैदराबादी में काम होगा। जी जी, हैदराबादी का ही शौक है। शौक तो ऐसे बहुत पुराना है अपना, लेकिन हैदराबादी में अभी ये 4-5 साल से, जैसा सोलापुर में भी इसका क्रेज आ गया तब से। मेरे को लगता है हैदराबाद फर्स्ट है। हाँ। बेंगलोर सेकेंड है जी, और सोलापुर थर्ड है। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं गलत भी रह सकता हूँ, लेकिन लेकिन सोलापुर में भी कुछ ऐसे नायाब जानवर हैं जो हैदराबाद और तुम्हारे बेंगलोर से कंपटीशन में कम नहीं है। क्या अभी है? अभी आप देखे, खालिद भाई है, खालिद भाई भी बताया आप। इसमें तो और डिबेट होने वाली ऐसा लग रहा है। असीम भाई अपने सामने रिजल्ट है, ये गाजी। वाह, कान की क्वालिटी आप देखिए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह बहुत नायाब क्वालिटी है। आया तो ये हैदराबाद से ही है, लेकिन मैं जब भी ये नाम सुनता हूँ मेरे मुंह से एक शेर ऐसा उछलता है जी। ए मुसलमान तेरी दो जहां में सरफराजी है, मर गया तो शहीद, जिंदा है तो गाजी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, मैं उनसे ये कॉपी किया हूँ। ठीक है, तो शुक्रिया। और बात करेंगे वीडियो के एंड में। ये हमारे उस्मान भाई है माशाल्लाह, ये लोडिंग अनलोडिंग का पूरा काम करते हैं और होटल का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए तो
जी कौन से बच्चों से स्टार्ट करेंगे? तो अभी ये दो नायक मेल है अपने पास जी, तो अभी ब्रिटेन में है। वाह, इसके बारे में खालिद भाई ने एक बात बोले थे, मैं बाद में सुनवाऊंगा आपको ये बच्चे के बारे में। और ये मेरा है, इससे स्टार्ट करेंगे? हाँ, ये अभी इंशाल्लाह इससे स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये बच्चा है माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैंडसन ऑफ अजूबा। सबसे पहले लोगों को जिसको नहीं मालूम आता है थोड़ा अजूबा के बारे में बताएंगे आप? अजूबा जो है ये शायद जाफरान का बेटा है, बराबर खालिद भाई। तो अजूबा बेंगलोर में फजल भाई के पास है, तो बहुत अच्छी ब्रीड बना है माशाल्लाह, और ये उसके बेटे का बेटा है आसिम भाई। दोस्तों जबरदस्त क्वालिटी का बच्चा है माशाल्लाह। सबसे पहले अजीम भाई इसके कान बताओ आप लोगों को। देखो 2 महीने का बच्चा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके 17-7 कान है। 17 और 7, 2 महीने का बच्चा है, 17 और 7 के कान है, नर बच्चा है। एक बात जो खालिद भाई बोले थे मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, हम लोग 8 महीने के बच्चा 18 कान है तो हम लोग उसकी रस्सी पकड़ के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन ये देखो आप, यकीन नहीं होता कि 2 महीने में 17-7 कान। क्या उम्मीद है अजीम भाई इससे? देखो अल्लाह ने चाहा ना 2 दांत तक तकरीबन 22 के करीब चला जाएगा, तो ये वर्ल्ड मतलब एक रिकॉर्ड बनाएगा करीब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पूछना चाहूँगा भाई, इसके बाप का नाम क्या हो रहा था? सूर्या। उसके कान कितने हैं? उसके 20 कान हैं और तकरीबन 9 के करीब चकलान हैं। माँ के कितने कान हैं? माँ के देखो उसके तकरीबन 9 के करीब चकलान हैं और 18 कान हैं। वाह, नायाब क्वालिटी बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि दोनों तरफ से क्वालिटी है। और जिसके पास ही मेल फीमेल है वो बोला माँ भी अजूबा लाइन से है, बाप भी अजूबा लाइन से। इसको बेचने का कुछ विचार आपका? देखो अभी तो शौक कर रहे हैं, इसको रखने का पूरा इरादा है, देखेंगे आगे इंशाल्लाह। मेरे पर्सनल हिसाब से तो नहीं बेचना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ मिलेगी आपको बाद में? नहीं, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है। और जहाँ तक गुलाबी, आज जो गुलाबी का क्रेज चल रहा है हाँ भाई, तो इसमें कैसा है ये बच्चे के ऊपर वाइट अगर फीमेल भराएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कान की क्वालिटी और गुलाबी आ जाएगा इंशाल्लाह। पूरी वेलवेट स्किन बच्चा है, जबरदस्त। इसका नाम रखे कुछ भाई आपने? इसका नाम सूरज रखे। सूरज, सूर्या का बेटा सूरज, बहुत जबरदस्त नाम रखे आपने। चलिए सूरज के बाद में अब सूरज के बाद और 2 बच्चे हैं। हाँ, ये एक बच्चा है, ये भी ग्रैंडसन और अजूबा। ये देखिए आप, पूरा मार्बल सिंह में है देखो। ये भी ग्रैंडसन है अजूबा का। हाँ, ग्रैंडसन वो भी ग्रैंडसन अजूबा का था। हाँ, ये यमुना का बेटा है। ये अपने यूम का ये है यमुना का बेटा। ये जो अपने खान साहब है, खान साहब के बकरे का रिजल्ट है। हाँ, है ना, बहुत उम्दा। इसके कान ऐसे चौड़े हो गए, एकदम खुले कान है, पूरा गुलाबी में है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्बल सिंह, दोनों सिंह मार्बल है, दिखा सकते। चेहरे पे दाग भी नहीं है, बिल्कुल बेदागी है पूरा। वाह वाह। और ये भी तकरीबन 2.5 महीने का है। सिंह देखो आप, दोनों मार्बल हैं, सफेद सिंह है। कान कितने आ रहे हैं अजीम भाई इसके? देखो 6.5+ है और 15 कान है। 15? हाँ, महीने के 3 महीने का ना? हाँ, 2.5 महीने का। वो 2.5 महीने का है। इसके कान ऐसे खुल जाएंगे और खुल जाएंगे भाई, जैसा बड़ा हो जाएगा ना खुला पप्पा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देना है आपको? नहीं, अभी इसको भी आगे अपने ब्रीडिंग के हिसाब से रखे हैं। सही है। इसका नाम क्या भाई? इसका नाम पठान रखा है। पठान, जो अपकमिंग जो पिक्चर भी आई थी मेरे हिसाब से पठान, तो उससे इंस्पायर होकर इसका नाम रखे माशाल्लाह। पठान और एक का नाम टाइगर रख दो भाई, जो सलमान खान की पिक्चर आने वाली है। सही है। पंच देखो इसका, ये गुजरात वाले बहुत मांगेंगे ऐसी पंच की बकरी भाई। फुल पंच में है, क्वालिटी में है। इसका नाम रोशनी है, ये शेरखान की बेटी है, अपने शेरखान जो लास्ट टाइम वीडियो बना था। हाँ, शेरखान और गाजी का वीडियो बना था, वही ना? हाँ, वही वही। इसका रिजल्ट है, ये शेरखान का रिजल्ट है। आपने बेच दिए वो बकरा ना? हाँ, बकरा बेच दिया। वो बकरा बेच दिए थे आपने? हाँ। सही है। तो ये शेरखान का रिजल्ट आया पंच के अंदर, और ये भी एक 3 महीने की है ना? नहीं, ये
माशाल्लाह। और कान की क्वालिटी जाड़ापन खरीद भाई आप बता सकते हो इसका चेहरे का रुबाब बहुत भारी लग रहा है, ये और पंच बना ले गया। अभी प्रेजेंट जो बता रहे ये वो मांग सकते हैं, क्या नाम है अहमदाबाद में माशाल्लाह गोट फार्म वाले, वो लोग जमा कर रहे हैं ऐसी बकरियाँ। उनका उनका एक बकरा है लक्की करके, वो भी पंच में है माशाल्लाह। तो ये देंगे आप ये बकरी? चलिए तो कांटेक्ट कीजिए हमारे भाई को। तीन बच्चे दिखा दिए आपने, और बच्चे दिखाएंगे? माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है दोस्तों। कितने महीने का बच्चा है भाई? ये 5 महीने का बच्चा है। क्या रुबाब है इसका माशाल्लाह। ये बकरे के अंदर भी दूध ढूंढ रहा है। तो दोस्तों एक साथ तीन बच्चे दिखाएंगे। पहले हमने एक बच्चा निकाला था, ये तीनों अपने होम ब्रीड है क्या भाई? नहीं, बाहर से मुझे बच्चे, तीनों बाहर के बच्चे। तीनों बाहर के, तो एक एक करके पहले आप डिटेल बता दो, बेचना है नहीं बेचना है सारी बातें। ये पहला बच्चा देख, हाँ ये पहला बच्चा है, ब्रीड लाइन का है, पूरा गुलाबी में है और पूरे खुला पत्ता कान है, टेप नहीं कुछ नहीं, सर गुलाबी कान है ज़बरदस्त माशाल्लाह, और चेहरा भी गुलाबी है, मार्बल सी में है, बहुत उम्दा। ये 5 महीने का बच्चा है, एज अ ब्रीडर क्वालिटी कोई ले सकता है? ले सकता है, बहुत उम्दा। और इसकी जो क्वालिटी के बारे में बताता हूँ, ये अपने दोस्त गुलबर्गा में अफरोज भाई है, अफरोज भाई, अफरोज भाई के मेरे का बच्चा बुर्राक का बेटा है, बुर्राक का बेटा है दोस्तों। और इसकी जो माँ है वो शरीफ भाई के घर की बकरी है बोलकर बोले थे, शरीफ भाई दबीरपुरा। हाँ, तो शरीफ भाई के घर की तकरीबन इसकी माँ की कीमत हो मेरे को 3 लाख कुछ बताए थे, मुझे पता नहीं, याद नहीं एग्जैक्ट जी। तो दोनों तरफ से ब्रीड लाइन है, दोनों तरफ से क्वालिटी है माशाल्लाह। तो अगर कोई गुलाबी का शौकीन और गुलाबी में अगर कोई चाहता है ब्रीड लाइन का क्वालिटी माल, तो ये बच्चा हम उसको देंगे इंशाल्लाह। सही है, शौक की चीज़ है, खुले कान है, कान का जाड़ापन, खाली भी कैसा है? शानदार है। सबसे पहले तो ब्रीड लाइन जो बताया आप माशाल्लाह शरीफ भाई के घर से बकरी जो, इसका जिक्र करें आप, हैदराबाद में जो नंबर वन लाइन बनाने वाले शरीफ भाई है, तो काफ़ी पुराने शौकीन हैं और पुराने शौकीन जितने भी है उनको मानते हुए, सही है शरीफ भाई को, उनके घर से जो चीज़ निकलती नायाब और नंबर वन पोजीशन पे जाने के अवसर रहती। सही, शरीफ भाई की जितनी तारीफ करूँ मैं कम है। हाँ। मैं और मेरे अलावा जितने भी लोग हैं बड़े बड़े जो शौकीन हैं वो भी यही बताएंगे कि उनके घर से जो आएगा नहीं ना मिलना है। सही, तो घर की माँ है और बाप जो है वो अपने अफरोज भाई का मुराद जो गुलबर्गा के, गुलबर्गा। चलो पहला बच्चा हो गया, बहुत शानदार। दूसरा बच्चा दिखा देते आप, दूसरा बच्चा। अब ये देखो आसिम भाई, ये खास आज ये नए जो गुलाबी के शॉपिंग के लिए ऑफर है, पूरा मार्बल सिंह मार्बल, ये प्योर हैदराबादी में, प्योर हैदराबादी में है। तो इस पे कोई दाग ही नहीं है भाई? बिल्कुल दाग नहीं है, 8-9 महीने का बच्चा है, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। और चेहरा भी इसमें कोई कलर नहीं है, चेहरा भी अलग है एकदम, पंच चेहरे का माइनर पंच है, आगे और निकालेगा अपने दांत लगाने के बाद। और अदन बच्चा है, बारीक दांतों में, एकदम छोटे दांत में। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको हैदराबादी का जो नाक का स्पॉट आता है वो मिलेगा, वो तो चाहिए ही, नहीं तो लोग यकीन नहीं करेंगे। वो एक स्पॉट दे जाइए। और यहाँ पीछे पैर को भी है उसके, हाँ हाँ पैर को है, पैर को छोटा स्पॉट दो, सामने के पैर को है। सही है, कलर अभी थोड़ा सा सिंह का टोपन निकला हुआ है। सही है, कान में है। और जो कम बजट में जो अपना गुलाबी का शॉप करना चाहते हैं, नासिक बकरियों का रेट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो में स्पेशली दो मेल के ऑफर रहेंगे। खाली भाई पकड़ लो, दोनों सगे भाई हैं, दोनों 8-9 महीने के हैं। वाह, दोनों एक ही माँ बाप। हाँ, दोनों एक ही माँ बाप के हैं। ये हमारे दोस्त रफीक भाई यवला वाले। हाँ येवला वाले, हाँ रफीक भाई से ले आता है बच्चे। क्या बात है, थोड़ा सा क्या गंदा क्या है कान, बाकी तो कान पूरे ये है, दोनों मार्बल सिंह में है और एकदम तर गुलाबी में है माशाल्लाह। तो क्या ऑफर रहने वाला है इन पे भाई? ऑफर ये रहेगा, अगर डबल में लेंगे तो भी हम एकदम रिजनेबल में लेंगे, दोनों जोड़ी का आप सिर्फ 80,000 रुपये बता रहे हैं। अच्छा, सिंगल लेंगे तो अलग रेट? हाँ, सिंगल लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वही रेट रहेगा। सही, 80,000 फॉर द पैर।
80,000 में जोड़ी देंगे, सही है। दोनों फुल गुलाबी है, दोनों अदंत हैं और कान भी अच्छे खासे हैं। बिल्कुल, इसके कान जो है 15.5 से 6.5 है। हाँ, वो बच्चे के कान जो है 16 पौने 7, मतलब ये 18-19 तो कर ही लेंगे एंड एंड में, अभी तो अदंत है ना। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस है माशाल्लाह, लेके फायदा उठा सकते हैं। फायदा उठा सकते हैं लोग, है ना, बहुत फायदा उठा सकते, बहुत बड़ी बात है। जैसा खालिद भाई भी बता रहे हैं कि ये रेट पे नहीं मिलते बकरे, बहुत अच्छे रेट में दे रहे भाई। सही, अभी तोड़ रहा है, अभी तोड़ रहा है, अभी गैप कर रहा है। सही है, तो ये जोड़ी देख लिए, वो सिंगल देख लिए, चलिए इनको अंदर कर देते हैं हम। तो माशाल्लाह आपने एक से एक बच्चे दिखाए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग फीमेल्स देख लेंगे कुछ जो फॉर सेल है और कुछ स्टॉक की बकरियाँ हैं। एक बार आप अपना नंबर दे दें अजीम भाई। मेरा मोबाइल नंबर जो है कॉलिंग के लिए 8208083298। और एक और नंबर है आपका, हाँ, व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप के लिए स्पेशल है 9689814139। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी ले सकते हैं आप भाई से। बिल्कुल, और भाई का जो काम है बहुत पक्का काम है, लाइन का काम है, जो भी बोलेंगे इंशाल्लाह वही लाइन रहेगी, पेडिग्री रहेगी, तो आप इनसे इजीली डील कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भाई आपका, आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।